तो फ्रेंड्स, हमें अपने फ़ोन को वेबकैम की तरह यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर और वहाँ से एक एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेते हैं ड्रॉइड कैम, क्योंकि फ्रेंड्स इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने फ़ोन को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसका पेड वर्जन भी आता है, चाहे तो आप इसके पेड वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एप्लीकेशन हमारा अब इंस्टॉल हो चुका है। तो आप चलते हैं अब अपने पीसी पर, और पीसी पे आने के बाद आप चलते हैं अपने हम ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर अब हम सर्च कर लेते हैं ड्रॉइड कैम क्लाइंट, क्योंकि फ्रेंड्स इसका हमें सबसे पहले एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हमारे पीसी या लैपटॉप में वर्क करेगा। तो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं मेरा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। ये सॉफ्टवेयर हमें एक जिप फाइल में मिलता, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से अब आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं जो पीसी पे मैसेज दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं इसको पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीसी पे हमारा ड्रॉइड कैम नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ से ओपन कर लीजिए। और यहाँ से अब हम अपने फ़ोन में से भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर इसको कनेक्ट करूंगा डेटा केबल के थ्रू। तो डेटा केबल से अपने फोन को मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वाईफाई की साइड में जो बीच में हमारा ऑप्शन नजर आ रहा है वही हमारा डेटा केबल का ऑप्शन है। तो इस पर क्लिक करें और यहां से अब आप इस पर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। ये आप ध्यान रखें, ये एप्लीकेशन आपके फोन में भी इंस्टॉल होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारे फोन का कैमरा अब स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब अपने फ़ोन के कैमरे को हम एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के लिए। तो अभी जो मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ ये फ्री एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते होंगे, जैसे कि यहाँ पर जूम इन का है, जूम आउट का है, फ्लैश का ऑप्शन है, और भी यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, सेव इमेज का ऑप्शन है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शन तभी काम करेंगे जब हमारे फ़ोन में ड्रॉइड कैम एक्स प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो वो पेड वर्जन है, आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। तो मैंने तो फिलहाल दोनों को इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए अब मैं उसको अपने फ़ोन में ओपन करता हूँ और यहाँ से अब इसको फिर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे सारे ही ऑप्शन अब ओपन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको जूम कर सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसकी फ्लैश लाइट को जला सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, इमेज को सेव कर सकता हूँ और इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन के कैमरे को यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के लिए। उसके बाद आप चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।